नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, मैं आपको आज बता दूं कि जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तब आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब आपका चैनल एक बार मोनेटाइज होता है तो आपको पता होता है कि मैंने इस पे कितनी मेहनत की हुई है और कितने दिन से मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ और कितने दिन में हमें इस पे सफलता मिली है। तो दोस्तों, इसी टॉपिक पे मैं आज बात करूँगा कि आपको क्या गलती नहीं कर देनी है, जाने अनजाने में भूल से भी कुछ गलतियाँ नहीं करनी है। तो दोस्तों, जो पहली गलती है वो होती है इनवैलिड क्लिक की। दोस्तों, आपने कभी लालच नहीं करना है। YouTube पे अगर आ गए हैं, सक्सेस हो गए हैं, मोनेटाइज आपने इनेबल करवा लिया है, तो आपको लालच नहीं करनी है। दोस्तों, लालच ये होती है इसमें, दोस्तों कई यूट्यूबर ऐसे होते हैं सोचते हैं, यार चलो मैं अपना मोबाइल ओपन करता हूँ और इसमें अपनी ही वीडियो को बार बार देखूँगा, एडवर्टाइजमेंट आएगा और मैं इससे जो भी पैसा है उसको कमा लूँगा। तो इस तरीके से दोस्तों, अगर आप उसी ईमेल आईडी से अपने ही वीडियो को देखते हैं तो YouTube इसको पकड़ लेता है, और जब YouTube पकड़ लेगा तो उसको इनवैलिड क्लिक कर देगा, यानी आपका जो चैनल है वो चैनल के साथ साथ जो आपका एडसेंस अकाउंट है वो डिसेबल हो जाएगा। फिर आपको परेशानी होगी, ईमेल करना, ये करना, वो करना, लिखना, पढ़ना, फिर भेजना, फिर बोलना मैंने नहीं किया है। इस तरीके से आप इनवैलिड क्लिक के शिकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ गलती नहीं करनी है, क्योंकि जब उसी ईमेल आईडी से आप अपनी ही वीडियो को देखेंगे तो YouTube उस चीज़ को पकड़ लेता है और ये इनवैलिड क्लिक मारता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने इस फ़ोन पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाल रखा है और इससे अपना ईमेल आईडी हटा लेता हूँ और हटा के इसी फ़ोन पे मैं अपने ही वीडियो को देखता हूँ, चलो मैं अपने फ़ोन पे नहीं देखूँगा लेकिन इस फ़ोन पे देखता हूँ, तो दोस्तों अगर इस फ़ोन से अपना ईमेल आईडी आपने हटा लिया है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपने इसको ईमेल आईडी इसी पे रखा है, सिर्फ लॉग आउट कर रखा है, तो उससे फ़र्क पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि आपने जो जो इस फ़ोन में डाटा है उसी डाटे पर वो भी डाटा जब मिक्स होता है दोस्तों और गूगल के पास जाता है तो उस चीज़ को ईएमआई नंबर के साथ वेरीफाई कर देता है, क्योंकि आपको ये चीज़ पता नहीं होगी लेकिन जो गूगल है वो ईएमआई नंबर के हिसाब से पकड़ लेता है कि उसी फ़ोन पे अपना ही वीडियो इस्तेमाल करके देख रहा है। ये तभी तक संभव है दोस्तों जब तक आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो आप बेशक अपने वीडियो को देख सकते हैं अपने ही मोबाइल पे प्ले करके। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है तो फिर आपको ये चीज़ें बंद करनी होगी और कुछ समय के लिए क्या, हमेशा के लिए ये चीज़ें भूल जानी है, और बल्कि भले ही दूसरे फ्रेंड के मोबाइल पे आप इस वीडियो को सर्च करके या फिर देख लें कुछ भी करके, लेकिन उसी ईमेल आईडी और उसी फ़ोन का इस्तेमाल गलती से भी ना करें, क्योंकि हमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।